Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken class. Friends, in the last class I taught you about the past continuous tense. We have started the past continuous tense and I have finished the first chapter of the past continuous tense in affirmative sentence, negative, interrogative and question word sentence. Today I will teach you about the same tenses infinitive. Okay, infinitive ka sentence hum kis tarah se banate hain. So let's start the class of the day. Do you know, one day I was going to meet my uncle. In a way, the dog was trying to bite me. Oh, then what happened, Swarthak? I was trying to escape from there. What happened there? I had some biscuit. I gave him. Oh, very good idea. Then what happened? Then I went from there easily when he was eating biscuit. You know very well about the infinitive. What is the infinitive? Because हर टेंस में मैंने इन्फिनिटिव के बारे में बताया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट टेंस, जो भी हो, सारे टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने इन्फिनिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है. इन्फिनिटिव मीन्स क्या? जैसे दो वर्ब आते हैं, उसमें दो वर्ब आते हैं, या वर्ब्स पहले हम टू लगाते हैं उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं. टू प्लस वर्ब इज इन्फिनिटिव. तो उस तरह के हम सेंटेंसेज अभी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सीखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, ईजी है, बहुत ईजी है. जैसे वह खेलने जा रहा था, वह खेलने जा रहा था. खेलने इज द फर्स्ट वर्ब और मेन वर्ब, व्हाट इज द मेन वर्ब? जा रहा था, जाना, जाना इज द मेन वर्ब. तो ही वॉज गोइंग, जो मेन वर्ब है उसमें हम आई एन जी लगाएंगे. He was going, किस लिए जा रहा था? To play. Simple. He was going to play. वे लोग मुझसे मिलने आ रहे थे. तो they were coming. Come is the main verb, so we put here ing. Coming to meet me. They were coming to meet me. ठीक है, मैं तुम्हें पीटने जा रहा था. तो आई वॉज गोइंग टू बीट यू. बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स. इसमें जो मेन वर्ब है उसमें आई एन जी लगाने के बाद टू लगाएंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा वर्ब है वो लिखेंगे हम, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे. सिंपल है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन और फटाफट हम देख लेते हैं. बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. तो अभी हम नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स के सेंटेंसेस पर नजर डालेंगे फटाफट. वह नहाने नहीं जा रहा था. वह नहाने नहीं जा रहा था. तो ही वॉज नॉट गोइंग टू बाथ. ही वॉज नॉट गोइंग टू बाथ. मैं तुमसे मिलने नहीं आ रहा था. तो आई वॉज नॉट कमिंग टू मीट यू. मेरी माँ
खाना पकाने नहीं जा रही थी। तो माई मदर वॉज नॉट गोइंग टू कुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस इन इन्फिनिटिव का। तो अभी हम नजर डालते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। क्या तुम खेलने जा रहे थे? वर यू गोइंग टू प्ले? ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह नाचने की कोशिश कर रहा था? तो वॉज ही ट्राइंग टू डांस? वॉज ही ट्राइंग टू डांस? ठीक है फ्रेंड्स, ये वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इसमें हम नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव, क्या वह नाचने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो वॉजंट हम लिख सकते हैं यहां पर, वॉजंट ही ट्राइंग टू डांस, या वॉज ही नॉट, या वॉज ही नॉट ट्राइंग टू डांस, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। या अगर शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं तो हमने जैसा कि बताया था मैंने आपको पहले कि सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। तुम क्या करने जा रहे थे? तो व्हाट वर यू गोइंग टू डू? वह क्यों मिलने जा रहा था? वह क्यों मिलने जा रहा था? तो व्हाई वॉज ही गोइंग टू मीट? ठीक है, राजू कहाँ खेलने जा रहा था? तो वेयर वॉज राजू गोइंग टू प्ले? वेयर वॉज राजू गोइंग टू प्ले? सिंपल है फ्रेंड, इसको सिर्फ समझना है। इसमें क्या है कि इन्फिनिटिव का ध्यान रखना है कि इन्फिनिटिव क्या है। इसमें मीन्स दूसरा जो सेकेंड वर्ब आता है वो कौन सा है, और मेन वर्ब आपको बता दूं कि जो लास्ट में आ रहा है वो सारे के सारे मेन वर्ब है। जा रहा था, आ रहा था, कोशिश कर रहा था, जहाँ से रहा था ख़त्म हो रहा है उसके पहले जो वर्ब आता है वो मेन वर्ब होता है, तो उसी में हम ING लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।